आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बृहस्पति कैसे हमारे जीवन पर असर डालता है। पंडित जी, अगर बृहस्पति अशुभ है तो कैसे पहचाने, ये तो आपने बता दिया। कुछ लोग कहते हैं कि वो गलत काम भी करते हैं तो भी उनके साथ अच्छा अच्छा होता है, तो बृहस्पति जब शुभ होता है तो क्या क्या फायदे देता है, क्या लक्षण है उसके? देखिए, बृहस्पति अगर शुभ होगा ना, सबसे बड़ा जो लक्षण है वो ये है कि व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। बृहस्पति को गुरु कहते हैं, यानी नौ ग्रहों के ऊपर उसका स्थान है, गुरु का स्थान सबसे ऊपर है। इसीलिए ज्योतिष में बृहस्पति का मूल्य बहुत ज्यादा है। अगर बृहस्पति आपको शुभ फल दे रहा है, शुभ परिणाम दे रहा है, तो व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है। अपने ज्ञान की वजह से, अपनी योग्यता की वजह से जीवन में अपार मान सम्मान प्राप्त करता है। व्यक्ति के ऊपर दैवीय कृपा होती है और ऐसे लोग जीवन में तमाम समस्याओं से, तमाम मुश्किलों से बच जाते हैं। जिनका बृहस्पति शुभ होता है, आम तौर पर धर्म के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में या बैंक के क्षेत्र में ऐसे लोग देखे जाते हैं। अगर बृहस्पति केंद्र में हो और पाप प्रभावों से मुक्त हो तो आपकी सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। कुंडली नहीं है आपके पास, लेकिन आप देखते हैं कि आपके जीवन में मुश्किलें आती है, तुरंत उसका समाधान भी आ जाता है, तुरंत आप मुश्किलों से बाहर भी निकल आते हैं। आंख मूंद कर ये बात समझ लीजिए कि आपका बृहस्पति आपके लिए शुभ है। इस बृहस्पति की एक समस्या है, अगर बृहस्पति बहुत शुभ होता है तो कभी कभी अपने ज्ञान का, अपनी योग्यता का अहंकार भी पैदा कर देता है। और जिनका बृहस्पति शुभ स्थिति में होता है, ऐसे लोग थोड़े खाने के शौकीन होते हैं, खाने के नाम पर कहीं भी कुछ भी कर लेंगे, थोड़े भोजन प्रिय टाइप के लोग होते हैं। जिनका बृहस्पति उनके जीवन में उनको शुभ परिणाम प्रदान करता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बृहस्पति आपकी कुंडली में अनुकूल हो तो आपको फायदे दिला सकता है। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि जीवन में अच्छी तरक्की करे, बिल्कुल सुख शांति रहे, तो बृहस्पति भगवान की कैसे पूजा करें कि उनके जीवन में शुभता की प्राप्ति हो? देखिए, बृहस्पति अगर आपने लक्षणों से समझ लिया कि आपका बृहस्पति अशुभ है, तो आपको ऐसी पूजा, ऐसे उपाय जरूर करने चाहिए जिससे बृहस्पति से जीवन में शुभता मिल सके। अब कैसे करें बृहस्पति देव की पूजा कि जीवन में उनकी कृपा मिले? बृहस्पति वार का उपवास रखिएगा, ये आपके लिए जरूरी है। और बृहस्पति वार का जब उपवास रखेंगे तो उस दिन नमक का सेवन नहीं करेंगे। घर के पिछले हिस्से में केले का पेड़ लगाएंगे और रोज सुबह उसमें जल डालिएगा। बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः या ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। रोज सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें, कितना भी अशुभ बृहस्पति क्यों ना हो, अगर रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें आपको लाभ होगा। घर के बुजुर्गों का सम्मान करें और फल वाले वृक्ष लगवाएं, बहुत अच्छा होगा। अगर बृहस्पति अशुभ है, आपको लक्षणों से समझ में आ रहा है, तो गले में माला और सोना, ये दोनों चीजें धारण नहीं करनी चाहिए। देखिए, बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा है या लक्षणों से आपने समझ लिया कि आपका बृहस्पति अशुभ है, तो सबसे पहले अपने संस्कारों को बेहतर करिए, धर्म के मार्ग पर चलिए, ईमानदारी और पवित्रता से रहिए, आपको लाभ होगा।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।